हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका। आर्बन टू रेसिपी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल तड़का रेसिपी, जैसे कि होटल में बनाई जाती है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो यदि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं दाल तड़का। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप तुअर की दाल, जिसे मैंने साफ पानी से 2-3 बार धो लिया है। 1 चम्मच राई ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, 1 पिंच लिया है हींग, नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच जीरा, 2 खड़ी सूखी लाल मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, फिर मैंने लिया है 1 प्याज जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है, 1 बड़ा टमाटर, फिर लिया मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, इन दोनों को मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, 2 हरी मिर्च इसे भी मैंने बारीक काट लिया है और 3 से 4 चम्मच घी। सबसे पहले हम गैस ऑन करके कुकर के अंदर डाल देंगे दाल। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 4 कप पानी। फिर इसमें डाल देंगे हम थोड़ी सी हल्दी 1/4 चम्मच के बराबर और बाकी बची हुई हम बाद में डालेंगे और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक। और इसे अच्छे से पहले मिक्स कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगाकर इसे सबसे पहले हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने देंगे, उसके बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी लगाएंगे। कुकर में 4 सीटी आ गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है, हम एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम घी, 2 चम्मच घी डाल देंगे हम इसे और अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है, हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक और बारीक कटे हुए लहसुन और इसे हल्का सा भून लेंगे। लहसुन और अदरक हल्के से भून गए हैं, हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसको भी डाल के अच्छे से भून लेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम पकाएंगे। आप देख सकते हैं प्याज में हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। और इसे भी अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। मिक्स कर देंगे हम। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। नमक आप थोड़ा ध्यान से डालिए क्योंकि हमने बॉईल करते समय दाल में भी डाला था। लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हम लाल मिर्च बचा लेंगे, उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम इसे चलाते हुए पका लेंगे ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला पैन में चिपके नहीं और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसे पकने देंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और हम देख लेते हैं दाल पकी है या नहीं। कुकर भी अच्छे से ठंडा हो गया है, हम देख लेते हैं दाल पकी है या नहीं। दाल अच्छे से पक गई है। यदि आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप थोड़ा सा पानी डाल लीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी।
मसाला है जो वो भी अच्छे से पक गया है। गैस बंद कर देंगे, गैस बंद कर देंगे और इस मसाले को हम इस दाल के अंदर डाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। जैसा कि हमारी रेसिपी का नाम है दाल तड़का, एक पैन लेंगे, इसमें हम डालेंगे घी, इसे गर्म होने देंगे। जब तक घी गर्म हो रहा है हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया दाल में और अच्छे से मिक्स कर देंगे। घी गर्म हो गया है, हम इसमें डाल देंगे राई, इसे तड़कने देंगे। साथ ही में डाल देंगे जीरा, हींग, खड़ी लाल मिर्च और गैस को बंद कर देंगे और लास्ट में डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम दाल में डाल देंगे। दाल तड़का बनकर तैयार है, इसे अब हम सर्व करेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म दाल तड़का बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इसे चावल के साथ परोसिए या रोटी के साथ परोसिए, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको मेरी दाल तड़का की रेसिपी कैसी लगी। और यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स यू वॉचिंग माई वीडियो।